सेक्शन बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड सागर की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए महज 3 महीने का वक्त बचा है। इससे पहले भाजपा को देखें, कांग्रेस को देखें, अपनी अपनी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों की बुंदेलखंड पर खास नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 12 अगस्त को सागर जाएंगे, विभिन्न कार्यक्रम वहां होने हैं, उसमें शिरकत करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं और ढाना कार्यक्रम स्थल से विशाल चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 22 अगस्त को सागर के दौरे पर ही रहेंगे और चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। ये भी आपको बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना जिले आते हैं। यहाँ की इन 6 जिलों की अगर बात की जाए तो 26 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 29 सीटों में से 19 सीटें तो बीजेपी के खाते में गई, जबकि कांग्रेस के पास 8 और सपा बसपा को देखा जाए तो एक एक सीट मिली थी। तो भाजपा और कांग्रेस का मिशन बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में 3 महीने का वक्त बचा है और ऐसे से पहले ही भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार दोनों ही पार्टियों की खास नजर बुंदेलखंड पर है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगे और वहीं आपको बता दें कि 22 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सागर ही दौरे पर रहेंगे। वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी, वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि 6 जिलों में 26 विधानसभा सीटें। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें बुंदेलखंड पर, खासतौर से पैनी नजर है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की है, और मध्य प्रदेश में दलितों का बड़ा वोट बैंक और यही वजह है कि सियासत की धुरी यहीं से शुरू हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे, बड़ा संत रविदास का मंदिर बनने जा रहा है, 100 करोड़ की लागत से बनेगा और अयोध्या की तर्ज पर ही इस तरह से मंदिर निर्माण की बात बीजेपी कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश की जनता भी जागरूक है, युवा भी यहाँ का पढ़ा लिखा है, ये जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी जवाबदारियों को छोड़कर, जैसे मणिपुर जल रहा है, आज लोकसभा चल रही है, उनको बोलना चाहिए था पर वो नहीं बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के अपनी जवाबदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए भले ही कर्नाटक के खूब प्रचार प्रसार किए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, पर वहां की जनता ने कर्नाटक में भाजपा में फाटक लगा दिया, हिमाचल प्रदेश में भाजपा में फाटक लगा दिया, मध्य प्रदेश में आज ही बात करें तो कानून की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, मध्य प्रदेश में उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न चरम पर है, बलात्कार तो इतने हो रहे हैं, अगर बात की जाए तो एक सप्ताह में 45 बलात्कार होते हैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो, और अबोध बालकों की बात करूं, इनके लापता होने का अगर आंकड़ा देखें। जिस तरह से मंदिर निर्माण हो रहा है उस मंदिर निर्माण को लेकर मैं चर्चा कर रही हूं कि स्वदेश जी ये कह रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कि कांग्रेस ने तो कभी महापुरुषों को याद नहीं किया, अब इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है तो पीड़ा हो रही है कांग्रेस को। इंसान ही सबसे बड़ा भगवान है, जब कल ही देखा हमारी 2 अबोध बालिकाएं आदिवासी बालिकाएं रीवा जिले के जंगलों में उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो गया, परसों की कठी घटना है ये, आज वीडियो वायरल हुआ तो अब FIR हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन बेखौफ हो चुके हैं यहाँ के अधिकारी। क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय आकर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है, माननीय गृह मंत्री से कहेंगे कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है? स्वदेश जी, मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ, आप टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, आपको दर्शक सुन रहे हैं, सवाल यही कि बुंदेलखंड में सियासी गणित क्या कह रहा है? बुंदेलखंड की अगर बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन वहां जाने वाले हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं मंदिर जो बन रहा है, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं?
देखिए मैं अगर इस बात को कहूं तो ये इनकी 18-19 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में, इसके पहले इनको मंदिर की याद नहीं आई कभी, इसके पहले इनने कभी लाली पहना की याद नहीं आई। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के हालात दस से बदतर हो चुके हैं। बुंदेलखंड पैकेज का जो पैसा था, जो फंड था बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के नाम से, उसमें इतना बंदर पाट हुआ है कि लोग मोहताज हैं, लेकिन इनके मंत्री संतरी उनके प्रतिनिधि माला माल हो गए हैं। कुल मिला के ये कोई भी जतन कर ले, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी मेजोरिटी आने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने भी सदस्य हो जाए, एक मिनी बसंत दल के विधानसभा तक पहुंच जाए तो बड़ी बात हो। जी स्वदेश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, लोगों के बीच बीजेपी जा रही है, घर घर पहुंच रही है, ये कह रही है कि एक मुट्ठी आप चावल दीजिए, ईंट दीजिए, पत्थर दीजिए और उससे संत रविदास जी का जो मंदिर है वो निर्माण होगा, तो इतनी चुनौती आपको लगती है कि कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से फोकस्ड हैं चुनाव के मद्देनजर, लोगों के बीच जा रही है बीजेपी, समरसता यात्रा निकाल रही है, पावड़े आपने देखे होंगे कि किस तरह से उठाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर घर घूमते दिखाई दिए थे। देखिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कितने भी कोशिश कर लें, इनकी विकास यात्रा जब इन्होंने निकाली तो 160 विधानसभाओं में इनके विधायकों को जनता ने खदेड़ दिया है। उसका कारण क्या है कि 18 वर्ष से इनकी जो नाकामियां हैं, सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी, दूसरी बात महंगाई, तीसरी बात महिलाओं पर अत्याचार, तीसरी चौथी बात बलात्कार में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का होना, ये सब लोग समझते हैं इन सब चीजों को। ये कितने भी प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयास विफल हो जाएंगे। जिन कबीरदास की बात, जिन संत रविदास की बात ये कर रहे हैं मंदिर बनाने की, उनके उपासकों की बात बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनके उपासकों के साथ पेशाब किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो सब समझते हैं इस बात को। मंदिर बना करके ये ढोंग जरूर कर ले, पूरा मंदिर बनाए उसका स्वागत है, लेकिन जनता समझती है इस चीज को, जनता इनको नहीं चुनने वाली दोबारा, इनके हक बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा कर्नाटक हो या हिमाचल हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी ताकत लगा दी, धन बल बाहुबल जन बल, यहाँ तक एक एक कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए उसको मनाने का काम किया कि आप पार्टी को जिताइए और सरकार बनाइए, हम आपको ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। हिमाचल में भी नहीं सुना और कर्नाटक में भी नहीं सुना, और मध्य प्रदेश में कर्नाटक में नहीं सुना। क्या मध्य प्रदेश में जनता सुनेगी या नहीं सुनेगी, फिलहाल जनता जनार्दन तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश जी बातचीत करने के लिए। तो बुंदेलखंड पर सियासतदारों की पैनी नजर है, मोदी खड़गे का मिशन बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में दलितों का वोट बैंक ज्यादा है, समरसता यात्रा लगातार बीजेपी कर रही है, 18 दिनों से 46 जिलों में होती हुई 313 विकास खंडों से नदियों का जल एकत्रित करके ये यात्रा आपको बता दें कि अब सागर में समाप्त होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे।